हैं, जैसे कि एलोपेसिया एरेटा, एलोपेसिया एरेटा में समस्या ये आती है कि आपके जो बियर्ड के हेयर होते हैं वो झड़ जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे सालों साल ना भी है और पता भी है, जैसे कि बियर्ड के हैं तो बियर्ड में ये हेल्पफुल है, बियर्ड आप लगाओगे तो 10 से 15 दिन लगाना पड़ेगा, उससे आपका क्या होगा हेयर ग्रोथ। हेलो दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज हब, एनहांस योर नॉलेज। तो आज फिर आपके लिए एक नई अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ, तो देखते हैं इसमें क्या है। वैसे थंबनेल पे आपने देख लिया होगा प्रोडक्ट क्या है, लेकिन फिर भी आपको डिटेल में बताऊंगा कि क्या चीज़ है। इसमें उन्होंने बिल नहीं दिया है साइड में, और ये अमेज़न से मैंने परचेस किया है। ये है बियर्ड ऑयल, ये आपकी जो बियर्ड ऑयल है ये क्या है, ग्रोथ वाला है, ये ग्रोथ करता है जो बियर्ड के हेयर होते हैं, ठीक है। जिसकी अनबॉक्सिंग करता हूँ, सील यहाँ से दे रखी है, ठीक है, ये ऑरिजिनल सील आप देख लीजिए यहाँ पे। अब कभी भी अगर आप ऐसा प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो ये ऑरिजिनल सील के साथ आएगा और उसको आप अनबॉक्स कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसकी जो प्राइस दे रखी है वो आपको 350 देखने को मिलेगी, और मुझे ये मिला है 220 के आसपास मिला है, ठीक है। तो ये हमारा बियर्ड ऑयल, तो चलिए मैं इसका यूज़ बताता हूँ कि आपको जो बियर्ड के हेयर हैं उनसे रिलेटेड कोई भी डिसीज़ होती है या फिर आपके हेयर ग्रोथ कम हो रही है तो उसका यूज़ कैसे करना है आपको, ठीक है। तो चलिए मैं स्टेप वाइज आपको पूरा बता रहा हूँ, तो वीडियो के अंदर जरूर बने रहिएगा तभी आप समझ पाएंगे कि इसका यूज़ कैसे करना है और किन प्रॉब्लम्स में करना है। चलिए, तो ये आपने देखा होगा कि कहीं कहीं पर आपको जैसे बियर्ड में हेयर आपके गायब हो जाते हैं या फिर झड़ जाते हैं, जैसे कि एलोपेसिया एरेटा। एलोपेसिया एरेटा में एक समस्या ये आती है कि आपके जो बियर्ड के हेयर होते हैं वो झड़ जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे सालों साल शायद ना भी है और पता भी है, जैसे कि बियर्ड के गए हैं, तो बियर्ड में ये हेल्पफुल है, बियर्ड में आप लगाओगे तो 10 से 15 दिन लगाना पड़ेगा, उससे आपका क्या होगा हेयर ग्रोथ हो जाएगी बियर्ड की, वो तो प्रॉब्लम ठीक कर सकते हैं। एक होता है एलोपेसिया एरेटा में क्या होता है कि आप इम्यूनिटी प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए आपको थोड़ा डॉक्टर की हेल्प लेनी पड़ेगी। ये सिर्फ आपका स्किन के ऊपर का प्रॉब्लम है, उसको जो हेयर की प्रॉब्लम है उसको तो यूजफुल है उसके लिए, लेकिन इंटरनली यूज़ नहीं करेगा ना। तो अब चलिए मैं बताता हूँ इसका यूज़ कैसे करना है। अगर आपको एलोपेसिया एरेटा है और आपके बाल वहाँ से बियर्ड के बाल आपके झड़ चुके हैं, तो कुछ नहीं करना है, आपको जिंजर लेना है और गार्लिक लेना है, इन दोनों का कद्दूकस करना है, ठीक, और इसके बाद आपको इसमें एलोवेरा मिलाना है, ठीक है, और कुछ बूंदें इसकी डाल देना, आपको 5 बूंदें डाल देना, और जिस एरिया में आपके जो स्पॉट आ गया है, बाल झड़ गए जहाँ पे बियर्ड के, वहाँ पे आपको लगा के रखना है जब तक सूखा ना जाए ना, तो कम से कम 10 से 15 मिनट आपको इसे लगा के रखिएगा, और फिर 15 से 20 दिन आपको रिजल्ट देखिएगा कि आपके जो हेयर है वो धीरे धीरे ग्रोथ होने लगेगा, ठीक है। इसके बाद अगर ये तो हो गया एलोपेसिया एरेटा वाली प्रॉब्लम, इसकी चीज़ और बता रहा हूँ अगला, कि अगर आपके जैसे कि हेयर ग्रोथ है, ठीक है, जो बियर्ड की हेयर ग्रोथ होती है वो लोगों कभी कभी देखा जाता है कम होती है, जिसकी वजह से जो ऑकवर्ड लगता है ना, तो भी आप इस ऑयल का यूज़ डायरेक्ट कर सकते हैं, फिर इसमें आपको कुछ भी सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसे ले सकते हैं और डायरेक्ट जो मसाज होती है हेयर की उसको करके आप क्लियर रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसका यूज़ करके देखिएगा, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा अगर आपको इसका लाभ होता है, जैसे मुझे तो हुआ है, मैंने इसका यूज़ किया है, तो इसलिए आपको बता रहा हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।